हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और अभी तक हमने आपके साथ सपोर्टिंग मटेरियल में से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। और उसके साथ ही एनसीईआरटी में से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपके साथ सपोर्टिंग मटेरियल में से ही चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि आज मैं आपके साथ सपोर्टिंग मटेरियल में से चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, यानी कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी के सामने ये चार क्वेश्चन लिखे हैं, एमसीक्यू हैं चारों के चारों। एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चंस को रीड आउट किया होगा। आइए एक बार मेरे साथ रीड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 × 11 × 13 + 7 = आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर लिखा है आपके सामने किस तरह का नंबर है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में करे होंगे। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमेशा कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है विच ऑफ दिस नंबर ऑलवेज एंड विद डिजिट 6, यानी कि इनमें से अगर हम n ऑप्शंस में से अगर n की वैल्यूज पुट करी जाए तो किस पे हमेशा लास्ट में 6 डिजिट आएगा। तो आप एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर मैं 4 में 4 की पावर 1 करूँगा तो 4 की पावर 1 4 होता है, और अगर 4 की पावर 2 करूँगा तो 4 की पावर 2 16 होता है। आप देख पा रहे हो कि इसके लास्ट में 16 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑलवेज एंड विद डिजिट 6, यानी कि हमेशा ही 6 आना चाहिए। यानी कि जो मैंने 4 की पावर 1 4 लिखा है, यहाँ पे 4 ना आके हमेशा 6 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की पावर 1 4 होता है, 6 नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। अगर मैं 2 की पावर 1 चेक करूंगा तो 2 की पावर 1 2 आएगा, यहीं पर ही ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि हमें चाहिए 6। सी ऑप्शन चेक करते हैं, 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तब भी ये 36 होता है, यानी कि इसके लास्ट में हमेशा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4a एंड b। अगर a और b कोई भी नंबर है जिसमें a और b बराबर नहीं है, तो आपको ये बताना है कि √a + √b और √a − √b का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो आप जल्दी से यहाँ पे फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर मैं √a + √b का मल्टीप्लीकेशन √a − √b से करूँगा तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a + b और a − b। a + b मल्टीप्लाई बाय a − b की वैल्यू होती है a² − b²। तो यहाँ पे a की जगह पर आएगा √a² और b की जगह पर आएगा √b² रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यह आएगा a − b। अब a − b आया हमारे लिए, क्वेश्चन में ये बोला है कि a और b इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो a − b 0 हो जाता, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो ये कैसा नंबर होगा? ये एक रैशनल नंबर होगा। तो हमारा ऑप्शन आया a इज अ रैशनल नंबर। फिर फोर्थ में दिया हुआ है इफ p इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। p एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर आप नहीं निकाल पाओगे, यानी कि p ऐसा नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का अगर मैं रूट करूंगा तो 4 का रूट होता है 2। तो ये वाले नंबर नहीं लेने, आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि 9 हो गया, 16 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे आप कोई भी एक एग्जांपल लेके लिख दो, 2 लिखोगे 2 तो ये आएगा −3√2। और रूट वाले नंबर कैसे होते हैं? रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। हमने आपके साथ चार क्वेश्चन डिस्कस करे, एक बार आप इन सभी के क्वेश्चंस को और सॉल्यूशंस को अच्छे से देखिए, फिर मैं आपके साथ इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आगे की 3 क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे हैं, आप एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए। 10 सेकंड लीजिए रीड करने के लिए, फिर मैं आपको इन सभी के आंसर्स करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने तीनों क्वेश्चंस रीड करे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन। पहले 7 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर मतलब पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके जहां तक आपको काउंटिंग आती है वहां तक सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर।
यहाँ पे लिखा हुआ है कंजुकेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि कर्मानुसार एक के बाद एक आने वाले। अगर मैं पहला नंबर एक ले रहा हूँ तो इसके अगला नंबर होगा दो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा टू। इसी तरह अगर मैं एक नंबर फाइव लूँ तो इसका अगला नंबर सिक्स, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा थर्टी। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो इनका मल्टीप्लीकेशन निकल के आ रहा है ये कैसे नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है या कुछ भी नहीं है। तो आप देख पा रहे हो ये टू और थर्टी टू से डिवाइड होंगे, यानी कि ये इवन नंबर है, हमेशा ही आपको इवन नंबर मिलेगा। फिर लिखा हुआ है आगे डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि आप अगर इस फ्रैक्शन को डिवाइड करो, अगर आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करो तो पूछ रहा है कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि सपोज करो अगर इसका आंसर हम ऐसे लिखें 0.1234, तो ये पॉइंट फिनिश हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट का मतलब होता है ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, ये वही पूछ रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक रहती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी इसकी मैक्सिमम पावर होगी वही आपका आंसर होगा। तो मैक्सिमम पावर चार है तो चार आपका आंसर होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है इन यूक्लिड डिवीजन लैमा, एक यूक्लिड डिवीजन लैमा में जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और फिर पूछा है इन्होंने विच वन इज करेक्ट। आर के बारे में बात हो रही है तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जब करवा रहा था, ये जो आर होती है इस आर की रेंज के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इन्होंने ये आर की रेंज ही यहाँ पे दे रखी है। तो आपको मैंने बताया था कि जो आर होता है ये जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा होता है, जीरो हो सकता है तो यहाँ पे इक्वल का साइन भी आता है, लेकिन आर जो है हमेशा बी से छोटा रहता है। तो आप देख लो ये स्टेटमेंट किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर वन के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान हैं। पहले मैंने चार एमसीक्यू करवाए, अब आपके सामने तीन एमसीक्यू हैं, तीन और बचे हैं, आइए जल्दी से उनको भी फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आखिरी तीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और 10 सेकंड लगाकर इन तीनों क्वेश्चंस को रीड आउट करिए। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को रीड आउट किया होगा, आइए आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 10 को देखें तो आप देख पा रहे हो कि एलसीएम की वैल्यू आपको दे रखी है 150, x इंटू वाई का मतलब है प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 1800, आपसे पूछ रहे हैं HCF क्या होगा। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने HCF और LCM और दो प्रोडक्ट्स नंबर्स के प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन पड़ा हुआ है। तो वो रिलेशन कुछ इस तरह का होता था कि अगर आप दो नंबर्स के का प्रोडक्ट करते हो, ये बराबर आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के। तो यहाँ से अगर आप HCF निकालना चाहो तो ये निकल के आएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय LCM। तो प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1800 और LCM गिवन है आपको 150, इन सब को काटोगे तो ये जीरो से ज़ीरो कट गया और ये आपकी वैल्यू कटेगी 12 पे। तो यानी कि इसका मतलब हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 12 आपका क्या है, दो नंबर्स का HCF होगा। फिर आगे लिखा है ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर आप किसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखते हो तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए उसका डिनोमिनेटर 2m मल्टीप्लाई 5n की फॉर्म में होता है, और ये 2m और 5n जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। फिर है p की पावर n इक्वल टू a मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और बोला है अगर p की पावर n को आपको डिजिट 0 पे एंड करवाना है तो बताओ ये a क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि इन तीनों नंबर्स को लेके आप मल्टीप्लाई करवाने पे क्या 10 लेके आप आओगे। तो देखो अगर एनी नेचुरल नंबर हो, एनी नेचुरल नंबर का मतलब 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि a मल्टीप्लाई 5 जो है वो 10 आना चाहिए। तो a मल्टीप्लाई बाय 5 10 आना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 इंटू 5 10 नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कट गया।
फिर है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब आप या तो दो लोगे या चार लोगे या छः लोगे, तो आप चेक कर लो, 2 × 5 = 10 होता है, 4 × 5 = 20 होता है, 6 × 5 = 30 होता है, यानी कि इसके लास्ट में डिजिट 0 आ रही है, तो हमारा ऑप्शन बी ही एक इसका करेक्ट आंसर है। ओड नंबर पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हमने ऑप्शन नंबर ए में नेचुरल नंबर में 1 डाला था तो 1 × 5 के था तो वो 5 आया था, हमें क्या चाहिए, हमें 10 चाहिए, और 10 या फिर लास्ट में 0 आप तभी ला पाओगे जब वो इवन नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके साथ 10 MCQ डिस्कस करे चैप्टर नंबर 1 के, और पिछले हफ्ते मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि पहले क्लास 12th का रिजल्ट आ गया और फिर क्लास 10th का रिजल्ट आ गया, तो अब आपके साथ मैं रेगुलर अपडेट रहूंगा। आज हमने आपके साथ MCQ डिस्कस करे हैं, अगली क्लास में इसका सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।